पालक पनीर आपने बहुत बार बनाया होगा। आज हम आपके लिए पालक की बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आए हैं जो आपने कभी नहीं बनाया होगा। ये पालक पनीर से ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अक्सर हमारे पास पनीर नहीं होता है, पर दूध तो सभी के पास होता है, तो इस सब्जी को आज हम पालक और दूध से बनाएंगे। आप इसके बॉल्स को देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और रसगुल्ले जैसा बनकर तैयार होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम पालक। इसके जड़ को काट करके निकाल देंगे और बीच से इसे कट कर देंगे ताकि हमें इसे बॉयल करने में आसानी हो। पालक के इन पत्तों को एक बड़े बर्तन में रखेंगे और इसमें डालेंगे पानी और दो तीन बार इसी तरह इसे पानी से धो लेंगे ताकि इसमें से सारी मिट्टी निकल जाए। पालक की बहुत मोटी डंडी को हमने निकाल दिया है। पैन में हमने 3 कप पानी बॉयल कर लिया है। अब इसमें इन पत्तों को डालेंगे और इसे 2 मिनट बॉयल करेंगे। इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं बॉयल करना है, नहीं तो इन पत्तों का कलर चेंज हो जाएगा। तो 2 मिनट इसे हमने बॉयल कर लिया है। फ्लेम को बंद करते हैं और इन पत्तों को तुरंत हम डालेंगे ठंडे पानी में। तो ध्यान रखें, हमने इसमें फ्रिज पे रखा हुआ पानी लिया है। आपके पास बर्फ़ है तो आप इसमें बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। एक भगोने में हमने थोड़ा सा पानी डाला है। इसमें डालेंगे 1 लीटर कच्चा दूध। दूध आप फुल फैट भी ले सकते हैं या टोंड मिल्क जो आपके पास हो। हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए दूध में एक उबाल आने देंगे। तो दूध में उबाल आ गया है, फ्लेम को बंद कर देते हैं। एक बाउल में हमने लिया है 3 बड़े चम्मच विनीगर और उसमें मिला लिया है 3 बड़े चम्मच पानी। इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए दूध को फाड़ लेंगे। आप दूध को नींबू से भी फाड़ सकते हैं, साइट्रिक एसिड से भी फाड़ सकते हैं। दूध हमारा बहुत अच्छे से फट गया है, पानी अलग हो गया और छेना अलग हो गया है। एक छन्नी के ऊपर हमने मलमल का कपड़ा लगा कर रखा है। इसमें फटे हुए दूध को ट्रांसफ़र कर देंगे। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि विनीगर का स्मेल इसमें से निकल जाए और इसे बहुत अच्छे से निचोड़ देंगे। पानी इसमें बिल्कुल ना रहे। आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए किचन में कहीं लटका दें ताकि इसका पानी निकल जाए। तो इसे हमने बहुत अच्छे से निचोड़ दिया है। इस पानी को आप फेंके नहीं, इसे फ्रिज में रखें, इससे आटा गूंथ लें या कढ़ी बना लें। पालक हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसे डालते हैं ब्लेंडिंग जार में। थोड़ा सा पालक का पानी डालेंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा ही पानी डालें और बिल्कुल बारीक साइज़ का प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो पालक हमारा पिसकर तैयार है। अब इसे रखते हैं साइड में। छेना जो हमने तैयार किया था उसे एक बड़े प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हाथ से मसल लेंगे। तो अब इसका हम बनाएंगे रसगुल्ला, पर चीनी के साथ नहीं, पानी के साथ। तो आप देखिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा ताकि ये अच्छे से बाइंड हो सके। हाथ के पिछले हिस्से से इसे बहुत अच्छे तरह से मसल लेंगे। बिल्कुल चिकना बॉल्स हमें इसका बनाना है, तो इसे आप बहुत अच्छे से मसल लें, तभी आपका बॉल्स अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं, इसे हमने बहुत अच्छे से मसल लिया है। बिल्कुल ये आटे की डो की तरह तैयार हो गया है। हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, ना ये प्लेट में चिपक रहा है। तो अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आपको जितना बड़ा बॉल्स बनाना हो उस तरह से आप इसके टुकड़े कर लें। छोटे टुकड़े ही करेंगे क्योंकि ये पानी में जब बॉयल करेंगे तो साइज से डबल हो जाएगा। तो हमने इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसके बॉल्स इस तरह से तैयार करेंगे। इसमें कहीं भी क्रैक ना हो, जैसा हम रसगुल्ला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह इसके बॉल्स हम तैयार करेंगे। आप देखिए, बॉल्स हमारे सारे बनकर तैयार हैं। कढ़ाई में पानी रख दिया था हमने। पानी में जब बिल्कुल उबाल आ जाएगा तभी इसमें बॉल्स डालेंगे। और पानी आप थोड़ा ज़्यादा ही रखें, तभी आपके बॉल्स बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। ढककर इसे हाई फ्लेम पर 15 मिनट तक पकाएंगे। बीच में इसे एक बार चला देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो इसे हमने ढक करके 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। ये बॉल्स अपने साइज से 2 गुना हो गया है और ये अच्छे से पक गया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए, चम्मच से दबाने पर अपने साइज में आ जा रहा है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और रख देंगे इसे साइड में। तो पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, 1 बड़ा चम्मच बटर। इसे हम बटर और घी दोनों के साथ बनाएंगे। हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच जीरा,
एक सूखी लाल मिर्च, जीरा को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो जीरा भून गया है, अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, दो हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। तो ध्यान रखें आप अदरक और लहसुन को बिल्कुल बारीक काटें। हरी मिर्च आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें हमने डाल दिया है एक प्याज जिसे हमने बारीक काटा था, थोड़ा सा हमने नमक भी डाल दिया है ताकि प्याज जल्दी पक जाए। ढक देंगे इसे और अब बीच बीच में चलाते हुए प्याज को बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे। तो आप देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, फ्लेम को स्लो कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, साथ में डाल देंगे दो टमाटर जिसे हमने बारीक काटा है। अगर आपका टमाटर खट्टा हो तो उसे आप एक ही लें। ढक देंगे ताकि टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, अब इसे भून लेते हैं तेल अलग होने तक। तो टमाटर अच्छे से भून गया है, इसमें से तेल अलग हो गया है। अब इसमें डाल देंगे पालक की प्यूरी को। अब इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच चीनी। चीनी डालने से पालक का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये ग्रीन ही रहेगा। तो आप चीनी इसमें ज़रूर डालें और ये टमाटर के खटास को भी बैलेंस करता है। पालक को हम बहुत अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। पालक को आप जब अच्छे से भून कर बनाएंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें हमने डाला है आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, दो बड़े चम्मच घर की मलाई। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसमें दो बड़े चम्मच क्रीम डाल सकते हैं। इसमें हमने डाल दिया है धनिया बारीक कटा हुआ और अब इसे थोड़ी देर और भून लेंगे। तो ये पालक हमारा बहुत अच्छे से भून कर तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे एक कप दूध। दूध को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दूध डालने से इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप ग्रेवी के लिए पानी ना डाल करके दूध ही डालें। तो हमने पूरा एक कप दूध इसमें डाल दिया है, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे बनाए हुए बॉल्स को, साथ में डाल देंगे आधा चम्मच नमक। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने प्याज भूनते समय भी नमक डाला है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ढक कर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर पकाएंगे ताकि बॉल्स में पालक और मसाले का फ्लेवर आ जाए। अगर आपको ग्रेवी पतली पसंद है तो इसमें थोड़ा सा दूध या पानी आप डाल सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम को बंद करते हैं और इसे निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। आप देख सकते हैं ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है, इसे आप एक बार ट्राई कीजिए। पालक पनीर से ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में। आप इसके बॉल्स को देखिए, जैसे रसगुल्ला बिल्कुल सॉफ्ट होता है और खाने में टेस्टी लगता है, उसी तरह ये बॉल्स भी बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार बना है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब इसके ऊपर लगाएंगे एक तड़का, जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तड़का पैन में डालेंगे एक बड़ा चम्मच बटर, थोड़ा सा देसी घी ताकि ये जले नहीं। आप चाहें तो देसी घी का भी तड़का इसमें लगा सकते हैं। इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो लहसुन हमारा भून गया है, फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें डाल देंगे एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा। अब इस तड़का को डाल देंगे इस सब्जी के ऊपर, जिसे सब्जी देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इसे किसी भी रोटी, पराठे, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ ये सब्जी अच्छी लगती है। लीजिए, सर्व करने के लिए तैयार है ये पालक की नई सब्जी। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए, साथ में फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह नई और आसान रेसिपी देखने के लिए। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।